नमस्कार दोस्तों, आज है 26 नवंबर 2021 और आज एक नया न्यूज़ फ्लैश हुआ है कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आ गया है, तो उसी के बारे में अपडेट देने के लिए मैं आपको यहाँ पर आज मिल रहा हूँ। दोस्तों, आज जो एक नया वेरिएंट जो आया है और उसका जो न्यूज़ आया है उसका नाम है B.1.1.529। ऐसा एक वेरिएंट है जिसका एक नया जो है उसका न्यूज़ आया है। ये जो वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका में इसका फर्स्ट डिटेक्शन अभी हुआ है, तो बहुत सारा कंसर्न अभी न्यूज़ में और बहुत सारी जगह पे आया है इस वेरिएंट के बारे में। तो ये कंसर्न क्यों है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब न्यूज़ के ज़रिए जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो नया वेरिएंट आया है उसका जो जांच यूके में किया गया उसमें ये पाया गया है कि इस नए वेरिएंट में लगभग 50 नए म्यूटेशंस डिटेक्ट किए गए हैं। तो ये म्यूटेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपको पता होगा कि जी पहले वेव में कोविड का जो पहला वेरिएंट आया उसके बाद उस वेरिएंट में कुछ चेंजेस हो गए, उसमें डेल्टा वेरिएंट आ गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया। तो वेरिएंट मतलब क्या है कि इन वायरसेस में म्यूटेशन हो जाते हैं और ये म्यूटेशन होने की वजह से ये वायरसेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से उसका स्प्रेड हो जाता है या फिर उसकी इन्फेक्टिविटी और उसका लोगों को अफेक्ट करने का या फिर बीमार बनने का उसका जो ताकत है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसका कारण है कि ये जो वायरस पार्टिकल होता है उसके बॉडी पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर्स में चेंज हो जाते हैं। आपने कई फोटोग्राफ्स में कोविड-19 का पिक्चर देखा होगा कि उसमें कुछ स्पाइक्स दिखते हैं और इन स्पाइक्स पे कुछ प्रोटीन्स रहते हैं। अगर उन प्रोटीन्स में कुछ चेंज हो जाता है तो उनमें म्यूटेशन हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये जो नया वेरिएंट आया है तो इसमें लगभग 50 नए ऐसे म्यूटेशंस देखे गए हैं। तो ये म्यूटेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो म्यूटेशंस हैं इसमें साइंटिस्ट ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये न्यू म्यूटेशंस की वजह से ये जो वायरस है ये ज़्यादा इन्फेक्टिव हो सकता है। मतलब ये एक टाइम पे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करने का इसका जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ सकता है, मतलब इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो बढ़ सकता है। दूसरी जो बात है वो है कि जैसे हमने देखा कि सेकंड वेव में डेल्टा वेरिएंट की वजह से पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, मतलब इसका जो सीवियरिटी जो है डिसीज़ का वो बढ़ गया। तो इसी की वजह से ये जो अलग अलग नए वेरिएंट आ रहे हैं, जो अभी नया वेरिएंट आया है उसमें भी हो सकता है कि इसका सीवियरिटी ज़्यादा हो, पर अभी ये वेरिएंट एक्चुअल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से हमको पता नहीं है कि इसका एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर थोड़ी कुछ दिनों में ही हमको पता चल जाएगा कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पर साइंटिस्ट ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसके सिम्टम्स हो सकता है कि सीवियर हो सकते हैं। और तीसरी जो बात है वो है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस। तो आजकल ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लिया है, पर हो सकता है कि अगर ये स्पाइक प्रोटीन में अगर कुछ चेंज हुआ है तो ये जो नया जो वेरिएंट है वो शायद वैक्सीन के लिए रेजिस्टेंट हो सकता है, या फिर जो लोग पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं उन लोगों में कुछ इम्यूनिटी पहले से तैयार हो गई है कोविड के लिए, तो उन लोगों में भी दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ सकता है। तो इसी के लिए ये तीन चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है कि इंक्रीज विरुलेंस, रेजिस्टेंस टू वैक्सीन और प्रीवियस इन्फेक्शन और इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें इस वैक्सीन के इस नए वेरिएंट के बारे में इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ हमने देखा है कि ये जो 50 नए म्यूटेशंस आए हैं उनमें से लगभग 30 म्यूटेशंस जो हैं वो उसके स्पाइक प्रोटीन्स में है। स्पाइक प्रोटीन मतलब क्या है कि जो उसका वायरस का कवरिंग होता है उसके ऊपर के जो प्रोटीन है उसमें ये चेंज आया है। तो अभी जो सब वैक्सीन्स है वो सब वैक्सीन्स स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हैं,
तो अगर इन स्पाइक प्रोटीन में अगर म्यूटेशन आ जाता है तो पूरे वैक्सीन का रेजिस्टेंस होने का चांस बढ़ जाता है। अभी हमको पता नहीं है कि एक्चुअली ये रेजिस्टेंट वैक्सीन रेजिस्टेंट है या नहीं है। ये जो केसेस जो नए आ गए हैं नए वेरिएंट के, वो जो शुरुआत हो गई है वो लगभग जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है। उसी के साथ दूसरे जो कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि इसराइल है, उसी के साथ हांगकॉन्ग है, उन कंट्रीज में भी कुछ केसेस इस वेरिएंट के दिखे गए हैं। तो हो सकता है कि ऑलरेडी ये स्प्रेड हो चुका है और धीरे धीरे उसका स्प्रेड बढ़ रहा है। उसी की वजह से ये जो न्यूज़ आई उसके बाद कुछ कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका जाने वाले फ्लाइट्स पर बैन कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या कैसा होता है इस वेरिएंट के बारे में। तो अभी लोगों के लिए हम क्या करना चाहिए, मतलब अगर ये नया वेरिएंट आ गया तो हमको क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी चीज़ें जो हैं जो हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। जैसे कि हमको मास्क वियर करना चाहिए जब भी हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, क्राउड में जाते हैं, तो हमको मास्क वियर करना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिहेवियर होना चाहिए हमारा। क्राउडेड प्लेसेस में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उसी के साथ अगर आपने पहले वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी ये नया वेरिएंट इंडिया में नहीं आया है तो हमारे पास काफ़ी टाइम है कि हम वैक्सीनेट हो जाए और इम्यूनिटी को डेवलप करें। मेरा ये भी कहना है कि जो लोगों को दो वैक्सीन हो गए हैं और जो हाई रिस्क है या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं, उनको जो थर्ड डोज है या फिर बूस्टर डोज है उनको देने के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब तक तो बूस्टर डोज का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर मुझे लगता है दूसरे कंट्रीज में बूस्टर डोज दिया है तो हमारे कंट्री में भी बूस्टर डोज देने के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे ही कोई अपडेट आ जाता है मैं आपको अपडेट के बारे में बता दूंगा। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।